Hey guys, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. मैं हूँ नीना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नीनाज वर्ल्ड. आज मैं आई हुई हूँ क्रिसमस मार्केट घूमने और मैं आपको भी क्रिसमस मार्केट घुमाने वाली हूँ. सांता क्लॉस के पास भी जा रहे हैं. हाँ, उसके बाद क्रिसमस मार्केट घूमने के बाद हम जाने वाले हैं सांता क्लॉस से मिलने. आज है 4 दिसंबर और टेम्परेचर बहुत कम है. अभी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है. टाइम तो 4 o'clock हो रहा है पर आसपास काफ़ी अंधेरा हो चुका. और दिसंबर के टाइम पे क्या होता है, दिन की जो लेंथ होती है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाती है और नाइट्स काफ़ी बड़ी होती है. जो क्रिसमस मार्केट है, अभी से अंधेरा हो गया तो आपको इतना अच्छा लगेगा देखने में, ऐसा लगेगा कि सारे के सारे स्टार्स आ गए हैं नीचे. और मैं आपको ले जा रही हूँ दिखाने के लिए पोलैंड का क्रिसमस मार्केट. क्रिसमस मार्केट एंड ऑफ द नवंबर स्टार्ट हो जाता है और 26 दिसंबर तक ये चलता है. और कभी कभार क्या होता है, ये 2 जनवरी तक या फिर 6 जनवरी तक भी चलता है. तो चलिए चलते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. क्रैको का क्रिसमस मार्केट यहाँ के सिटी स्क्वायर में लगता है और जो यहाँ का सिटी स्क्वायर का एंट्रेंस है वहाँ पे हर क्रिसमस पे इस टाइप के मॉडल बना के, ये हैं चर्च के मॉडल और कैसल के मॉडल, इस टाइप के मॉडल बना के रखे जाते हैं हर साल. रेनबो कैसल, ओ ये तो बड़ा क्यूट सा कैसल है. और इन मॉडल में जो भी इनकी ट्रेडिशनल चीजें, जो भी इनका कल्चर है, वो सब इसमें शो किया जाता है. और ये सिंबल है यहाँ की फेमस लाजकोनिक ट्रेड का. इसमें क्या होता है, एक बर्ड मैन होता है डेट ब्रिंग गुड लक विद अ टच. जो इनकी ये लाजकोनिक ट्रेड है, जो इनका ये ट्रेडिशन है, लास्ट 700 ईयर से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है. और ये देखिए दूर से कितना कलरफुल लग रहा है ये कैसल. और उसके साथ में एक और कैसल है जो इससे टोटली डिफरेंट है, उसे मैं आपको दिखाती हूँ. और ये रहा दूसरा कैसल जो 100 meters के डिस्टेंस में बना हुआ था. ये देखिए कैसल देखने में कितना ही सुंदर है. यहाँ भी एक चीज सेम है, जो इनका लाजकोनिक फेस्टिवल उसे यहाँ भी इन्होंने शो किया हुआ है. ये फेस्टिवल जून में आता, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल होता है. इसमें क्या होता है, कोई भी मेल वॉरियर की तरह ड्रेसअप करता है और वुडन हॉर्स की राइड करता है. फिर वो सिटी में, स्ट्रीट में, मेन स्क्वायर के आसपास के एरिया में घूमता है और लोग उसके पास आते हैं. उसके पास एक गोल्डन मेज होती है, उससे वो लोगों को टच करता है. इसका मतलब है वो उनको गुड लक दे रहा है, उसके बदले वो कुछ मनी चार्ज करता है. क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट्स होती हैं सब में लाइट लगा के रखते हैं. और ये है क्रैको का मेन स्क्वायर जो कि यूरोप का सबसे बड़ा मेन स्क्वायर है. और यहीं पे क्रिसमस मार्केट लगता है. इसके बैक साइड में क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री जिसमें चलते हैं और वहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करवाते हैं. क्रिसमस स्टार्ट होने वाला है, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउडेड है इस टाइम पे. और यहाँ पे हर जगह लाइट लगी हुई है. और ये बड़ा सा क्रिसमस ट्री है और एक और ये और यहाँ से स्टार्ट होता अपना क्रिसमस मार्केट. Yeah.
क्रैको में दिसंबर के टाइम पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है और इस मार्केट में वुलन आइटम भी बहुत सारे मिलते हैं। आपको इस मार्केट में वुलन स्लीपर, बिग फर हैट एंड स्कार्फ और लेदर ग्लव्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो वुलन क्लोथ्स मिलते हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और इस मार्केट में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि क्रिसमस में आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं। इस मार्केट में विलेज से लोग आके अपने आइटम्स को सेल करते हैं। Znowu są na scenie. Czy ruszyło was sumienie? Czy przypadkiem szliście tędy? Czas naprawić stare błędy. Tych gościów ich sąsiednie. Chodź. Aur yahan pe aapko milti hai dher sari varieties ki chocolate. और यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सारे पुराने टूल्स को पैक करके। अब आप सोच रहे होंगे इन टूल्स को पैक करके रखा क्यों, क्योंकि ये टूल्स बने हुए हैं चॉकलेट से। देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि चॉकलेट से बने हुए हैं। ये हैं चॉकलेट टूल्स जिन्हें हम खा भी सकते हैं और ये देखने में ऐसे लग रहे हैं ना जैसे पता नहीं कितने पुराने जंग लगे हुए हैं। और इनकी कॉस्ट रहेगी 60 जुलॉटीज 40 जुलॉटीज, अकॉर्डिंग टू वेट इनकी कॉस्ट रहती है। टूल्स के साथ साथ यहाँ पे चॉकलेट्स के कॉस्मेटिक आइटम भी बने हुए और यहाँ पे साथ में हॉट चॉकलेट भी मिलती है। और दूसरा रीज़न आपका ये है इस मार्केट में आने का, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉसेजेस मिलते हैं। यहाँ पे वैरायटी मिलती है सॉसेजेस की। यहाँ पे रेड सॉसेज मिलेंगे, वाइट सॉसेजेस मिलेंगे, इवन जो सॉसेज होते हैं ना जिनके बीच में चीज़ डली रहती है आपको वो भी यहाँ पे मिलेंगे। और जूसी टाइप के सॉसेजेस भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, ग्रिल्ड वाले भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारी वैरायटी है। और यहाँ पे मिल रही है ग्रिल्ड सैंडविच। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसका टेस्ट तो एकदम लाजवाब होता है। यहाँ पे मेरे को एक और शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे एक ओल्ड से कपल थे जो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में काम कर रहे थे। ये लोग अलग अलग मेटल का यूज़ करके डेकोरेशन का आइटम बना रहे थे और रिंग्स बना रहे थे ये लोग और नेकलेस बना रहे थे और साथ साथ में फार्मिंग के टूल्स भी बना रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरीज पसंद तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ में ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, इयर रिंग्स मिलेंगे, रिंग्स मिलेंगी, कुछ बैंगल्स टाइप के थे वो मिलेंगे। और यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे से लॉकेट्स देखने को मिले और ये लॉकेट्स थे एक दूसरे से अलग थे और टोटली डिफरेंट टाइप के थे। और यहाँ पे की रिंग्स भी हैं कुछ। और ये जो सामने दिख रहे हैं वो हैं हॉट शूज़। यहाँ पे भी हॉट शूज़ को उतना ही लकी मानते हैं जितना कि इंडिया में मानते हैं। इंडिया में भी हॉट शूज़ को काफ़ी लकी माना जाता है। कभी कभी हम लोगों को मिल जाया करते तो हम उसको रख लिया करते थे हॉट शूज़ को। इस शॉप की एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी क्योंकि यहाँ पे मेटल्स के फ्लावर भी मिल रहे थे। ये रोज़ के फ्लावर हैं जो सारे के सारे मेटल्स के बने हुए हैं।
और यहाँ पे मिल रहा है ऑक्सीपैक। ऑक्सीपैक बेसिकली होता क्या है, ये स्मोक्ड शीप चीज होती है जो कि टेट्रा माउंटेन से आती है। टेट्रा माउंटेन वाला एरिया जो जाकोपानी वाला एरिया यहाँ का, वहां से आती है ये चीज। ये बहुत ज़्यादा प्योर होती है, इसे सबसे पहले ग्रिल किया जाता है। ये सामने आपको दिख रहा है, इसे ग्रिल कर रहे हैं। ग्रिल करने के बाद इसे कैनबेरी जैली के साथ या फिर रेड करेंट के साथ इसे सर्व किया जाता है। ये है इस मार्केट की सबसे हेल्दी चॉकलेट। हेल्दी चॉकलेट इसलिए क्योंकि इसके अंदर है फ्रूट्स, एप्पल, ग्वावा, पेयर, स्ट्रॉबेरी, जो भी यहाँ के लोकल फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे इन चॉकलेट्स के अंदर डाले जाते हैं। शेप देख के ही पता चल रहा होगा ये एप्पल से बनी हुई है, पेयर से बनी हुई है। और यहाँ पे हैं होममेड पॉलिश स्वीट्स एंड कुकीज। यहाँ पे आपको बहुत टाइप की स्वीट्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे हैं बच्चों के फेवरेट डिफरेंट वैरायटी के कैंडी कैंस जो काफी कलरफुल लग रहे हैं। पोलैंड में स्पेशल टाइप के जिंजर ब्रेड मिलते हैं जिसे पेरनिका कहते हैं। इसमें बहुत सारी शेप्स के मिलते हैं जिसमें अलग अलग कुछ मैसेज भी लिखा रहता है। और पोलैंड फेमस है डिफरेंट टाइप के जिंजर ब्रेड्स के लिए, और जिसे हम कहते हैं पेरनिक। और यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे वुडन टॉयज जो कि हैंडमेड होते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन जिसमें पजल्स होंगी और भी काफ़ी सारे टॉयज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ में वुडन यूटेंसिल्स भी मिलते हैं जिसमें जैसे कि फॉर्क हो गया, स्पून हो गया।
वुडन के साथ साथ आपको मिलते हैं ग्लास के टॉयज भी। यहाँ पे ग्लास से ही ये सारी चीज़ें बनी हुई है। ये स्नेक है, डॉग है और भी जितने सारे एनिमल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। आपको यहाँ पे सोविनियर के लिए, गिफ्ट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें जो भी इस मार्केट में मिल रही है ज़्यादातर सारी की सारी हैंडमेड है। और ये है रशियन डॉल, ये भी हैंडमेड ही है। और यहाँ पे साथ साथ में बहुत सारे इयररिंग्स भी है और एक इन इयररिंग्स में एक यूनिक सी आर्ट है। फिर आ गए हम सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए। ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है सारी की सारी सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए ही लगी हुई है। यहाँ पे हमें सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए, सेंटा क्लॉज से गिफ्ट लेने के लिए कुछ टास्क को पूरा करना था, तो स्तुति और ध्रुव वो ही टास्क पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे इनको चार टास्क पूरे करने थे और स्टैम्प्स लेनी थी, तो इनका यहाँ पे एक टास्क पूरा हो गया है। ये रे सारे के सारे गिफ्ट जो सेंटा क्लॉज बच्चों को देने वाला है। यहाँ पे स्तुति और ध्रुव गिफ्ट चूज कर रहे हैं, जो भी गिफ्ट उन्हें सेंटा से चाहिए, जो भी ये चूज करेंगे सेंटा क्लॉज उन्हें वो गिफ्ट दे देगा। स्तुति आप एक्साइटेड हो सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए? मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए। सेंटा क्लॉज बैठ के हमारा वेट कर रहा है, बस हमें जाके अब उससे मिलना है। तो साथ साथ में मैं आपको भी मिलवाती हूँ।
जैसे जैसे रात होती जा रही है टेम्परेचर और कम होता जा रहा है, अब माइनस में टेम्परेचर हो गया है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।